सब्सक्राइब करें कॉमन प्लेटफॉर्म चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। आजकल बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी सामने आ रही है जिसको लेकर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज है कि ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या फेक है। अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और आप जॉब के लिए जब भी किसी कंपनी में जाते हैं और आपको वहाँ पे पता चलता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कंप्लीट की है वो यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त नहीं थी, उसे UGC के द्वारा कोई भी मान्यता नहीं दी गई थी, तो ऐसे में आपकी टाइम, आपके पैसे सब बर्बाद हो जाते हैं और सिंपल वे में कहूँ तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो इसको हम कैसे चेक कर पाएंगे कि आप जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने जा रहे हैं वो जेन्युइन है या फेक है, तो इसको हम समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। आपके पास जो ब्राउजर हो आप उसे ओपन कर सकते हैं। मेरे पास क्रोम है तो चलिए मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करने के लिए क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। हमें यहाँ पे टाइप करना है सर्च बार में www.ugc.ac.in करके। जैसे हम इंटर करते हैं तो हमारा वेबसाइट ओपन होने लगता है। थोड़ा सा ये वेबसाइट स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। वेबसाइट ओपन होने के बाद जो वेबसाइट का इंटरफेस आता है कुछ हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पे चेक करना है वो हमें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चेक करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ पे कसर लाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज़ कितने तरह की होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ चार तरह की होती है। एक होती है, पहला जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटीज़, तीसरा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, चौथा होती है आपको स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ये चार तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, उसी तरह स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो इस दोनों में फेक होने का सवाल ही नहीं होता कि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ इस दोनों में फेक हो सकती है। जो फेक होने के चांसेस होते हैं वो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर में होते हैं। तो हम इसे कैसे चेक कर पाएंगे, तो चेक करने के लिए चलिए हम इस दोनों में से कोई एक को ओपन करते हैं। चलिए हम स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जैसे हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे स्टेट का लिस्ट मिल जाता है। इसमें से आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज जो है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप उसको चेक कर सकते हैं। सपोज हम एग्जांपल के तौर पे हम कोई स्टेट ले लेते हैं, चलिए हम पंजाब ले लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का लिस्ट ओपन हो जाता है। अब इसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको इसमें मिलेंगे वो सारे के सारे जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके डीप में जानकारी के लिए यहाँ पे आपको मोर डिटेल का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, ईमेल आईडी मिल जाती है आपको, यहाँ पे वेबसाइट का यहाँ पे लिंक मिल जाता है आपको। उसी तरह वाइस चांसलर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ का वाइस चांसलर का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह हम कोई यूनिवर्सिटी दूसरे पे क्लिक करते हैं तो सेम इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। और इसको आप देखना चाहते हैं तो जैसे हम इसे लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है, आप ये सब रीड कर लीजिएगा। तो इस तरह से इस लिस्ट में आपको जितने भी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे वो सारे के सारे जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये ऑफिशियली UGC के साइट पे हैं, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि फेक यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। तो जैसे हम उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ पे
कसर लाए थे, सेम जैसे हम यूनिवर्सिटीज पे कसर लाते हैं, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फेक यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा। और जैसे हम इसे नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज एज ऑन अप्रैल 2018, यानी कि 2018 को अप्रैल में यूजीसी ने इसको अपडेट किया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्टेट वाइज जो भी फेक यूनिवर्सिटीज है उसके नाम यहाँ पे दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दिल्ली, दिल्ली में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं फेक उनके यहाँ पे नाम दिया गया है। उसी तरह कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमेशा की तरह हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद।